मेरे पास एक कमेंट आया था दोस्त कि आई हैव गुड नॉलेज इन AWS और इन क्लाउड और इन लाइनक्स, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग जॉब। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली जो कंपनीज की नीड है, उसका नॉलेज आपके पास है कि नहीं है, वो होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक जो हम फिर से पढ़ते हैं उसके बारे में, आपके पास कोडिंग में नॉलेज हो सकता है, आपके पास AWS, क्लाउड, IT सपोर्ट, नेटवर्किंग, कोई सी भी फील्ड हो सकती है, विंडोज सर्वर हो सकता है, तो कोई सी भी फील्ड हो सकती है वहाँ पे जिसका आपको एक अच्छा खासा नॉलेज होगा, ऐसा आपको लग रहा है। मैं ये आपकी नॉलेज पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर उस जगह मैं भी हूँगा, अगर इनकेस मान लो मैं क्लाउड पढ़ रहा हूँ, मैं डेवॉप्स पढ़ रहा हूँ या मैं कोडिंग पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखूँगा, उडेमी से कोर्स खरीदूँगा या किसी इंस्टीट्यूट पर जाके वहाँ ज्वाइन करूँगा और उसको अच्छे से पढ़ूँगा। अब क्या होता है कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आप 25-30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये तक फीस देते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कराते हैं, कि AWS में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर करा देंगे, कोडिंग में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर करा देंगे, राइट। और उससे क्या लगता है, या नेटवर्किंग बेसिक मान लो कि आपको सब नेटिंग पढ़ा दिया, नेटवर्किंग पढ़ा दी, उसमें जो नेटवर्क फंडामेंटल बता दिया या CCNA पूरा कैप्चर करा दिया, तो क्या लगता है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे CCNA की पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया, रट्टा मार लिया CCNA का, या मैं मान के चलता हूँ क्लाउड का आपने अच्छे से वहाँ पे पढ़ लिया। अब होता क्या है कि जब आप कंपनीज में इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, ना हर एक कंपनी की हम वहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको बेसिक चीज़ें वही मिलेंगी हर एक कंपनीज में, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अभी आप काम कर रहे थे टेस्ला में और कल को माइक्रोसॉफ्ट जाओगे, तो जो कोडिंग होगा बैकएंड में बिहाइंड द सीन जो वहाँ पे कोड हुआ होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। हो सकता है अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हो, कल को आप जाओगे एप्पल में, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑलमोस्ट कोडिंग आपको सेम मिलेगी, बट जो इंटरफेस होगा या जो कोडिंग का एक्सपीरियंस होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, वो एकदम अलग होगा। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि कंपनीज जब आपको हायर करती हैं वो अपना नीड देखती हैं, वो अपनी नीड देखती हैं या अपनी रिक्वायरमेंट देखती हैं कि एक XYZ एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड पे होस्टेड है और उसमें ये सर्विसेज हमें रन करानी है, एक बंदे से मैनेज करवाना है, तो बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है और तभी सिलेक्शन होता है। जब वो लगता है कि हाँ ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, कंपनी की लिस्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो इंटरनल होता है, बाहर पता नहीं चलता है, बट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर होने वाला होगा उसके पास वो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक बंदा चाहिए और उसके अंदर ये स्किल्स चाहिए। अब आपने पढ़ा है क्लाउड का बेसिक या क्लाउड में इतना पढ़ा है कि चलो अपने जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया गया वो आपको अच्छा नॉलेज है, बट कंपनी को थोड़ा सा और एडवांस चाहिए, तो वो एडवांस नॉलेज ना होने की वजह से आपकी वहाँ पे हायरिंग नहीं होती है, हायरिंग रुक जाती है। तो आपको एक अच्छे अच्छे रिसोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, गूगल पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, जो कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होता है, मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ऐसे बहुत सारे गूगल पे आपको रिसोर्स मिल जाएंगे जो पढ़ाते हैं आपको बताते हैं, गूगल पे रिसोर्स मिल जाता है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल के कैंडिडेट को वहाँ पे बताया जाता है। तो मैं आपको जरूर बोलूँगा कि वहाँ से आप पकड़ो, एंड यस, अब अगर प्रोफाइल चेंज कर रहे हो, नई प्रोफाइल में जा रहे हो, तो स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको जॉब थोड़ी सी लेट मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, तो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बाकी इसके अलावा अगर आपको IT करियर चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए उस पर, तो आप मेरे को 1-to-1 कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे आपको कंसल्ट दूंगा, चार्जेबल कॉल होती है फॉर दी बेस्ट प्रोफाइल फॉर यू। एंड मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।